सुधर बनी है मिस्टर अरुण सूदन जी, उन्होंने क्या किया है कि जाति सूचक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए हैं, वो सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं किए, समाज का होगा, जिसमें डीसी रजौरी के खिलाफ एडीसी सुंदर बनी और डीआईओ रजौरी जो है उनके खिलाफ उसने जाति सूचक जो है लफ्जों का इस्तेमाल किया है। और वो भी कब बोले हैं, जब एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, चाहे बिछड़ा की बात करें, उधमपुर की बात करें, आप डोडा किश्तवाड़ की बात करें, और ये जो रिसेंटली अभी इन्होंने सुंदरबनी में कर दिया, आए दिन वहाँ पे ये जो है जाति सूचक जो है ये गालियाँ दी जा रही हैं हमारे समाज को, लेकिन एक भी अभी हमें बता दें कि जिसको इन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाला है। तो हम ये स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम अभी भी चुप रहे, इनको अगर अंदर ना हम करवा के छोड़ेंगे, तो हमें लग रहा है कि ये यूपी बिहार की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर चालू हो रही है। और किसके खिलाफ बोला है? डिप्टी कमिश्नर जोरी के खिलाफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुंदरमणि के खिलाफ, डीआई और जोरी के खिलाफ, और पूरी जो हमारी कौम है कौम के खिलाफ वो बोल जाति सूचक गाली दे रहा है। अरे किसी ने इसको लाइसेंस दे दिया? बीडी शर्मा, इसको अरुण शर्मा को किसने लाइसेंस दिया इसको लोगों को गाली निकालने का? इसका माइंड सेट लोगों का इनको चेंज करना होगा, और फौरी तौर पर हमारा एफआईआर से कुछ नहीं बनेगा, इसके खिलाफ फौरी तौर पर से जेल में डालना चाहिए। मेरे आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी कि ये जो हमारा एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसके प्रोविजन के मुताबिक अरुण शर्मा को फौरी तौर पर जेल में डालने का ऑर्डर दें, वरना ये समाज चुप करके बैठने वाला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर जाएगी, हर शहर के अंदर जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त